Hello students, today we will study about the transient state stability and transient state stability limit. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्विंग इक्वेशन की हेल्प से किस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हमारे सिस्टम में कोई स्मॉल डिस्टरबेंस होती है व्हाट कुड बी द कंडीशन विच हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट वेदर अवर सिस्टम विल रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन और नॉट. टुडे अगेन विद द हेल्प ऑफ स्विंग इक्वेशन वी विल डिटरमाइन दैट व्हेन द लार्ज डिस्टरबेंसेस ऑकर इन द पावर सिस्टम उस समय हमारा सिस्टम जो है क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. What could be the condition? किस तरह से हम judge कर सकते हैं कि हमारा जो system है वो again अपना जो synchronous speed है उसे attain कर लेगा. So today we will study about the transient state stability conditions and transient state stability limit. तो large disturbances जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे system में कोई switching operation होता है, fault होते हैं, चाहे symmetrical fault हो या unsymmetrical fault हो, ट्रिपिंग ऑफ द लाइन, जैसे डबल सर्किट लाइन होती है तो कोई फॉल्ट हो गया या मेंटेनेंस पर्पज से कोई एक लाइन ट्रिप कर रखी है, सडन चेंज इन लोड, सडन चेंज इन द मैकेनिकल पावर इन द जनरेटर. सो व्हेन एवर सच टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेज ऑकर दीज डिस्टर्बेंसेज कम अंडर लार्जर डिस्टर्बेंसेज दैट इज वी स्टडी देम इन ट्रांजिएंट स्टेट कंडीशंस. सो whenever the large disturbance occurs in our power system, the main consideration is to regain its equilibrium position. तो transient state stability study करना बहुत ज्यादा important है क्योंकि उस समय हमारी जो power system की condition होती है उस समय बहुत chances होते हैं कि हमारा जो power system है वो unstability attain कर सकता है, उसमें जो loss of synchronism है उसके होने के chances ज्यादा होते हैं. Because whenever we talk about steady state conditions, steady state stability, we always talk about smaller disturbances. That is the rotor angle varied only with 2 to 3 degree hardly. लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रोटर एंगल की वेरिएशन है क्योंकि हम लार्ज डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं तो जो रोटर एंगल है उसमें आपको लार्ज डिस्टर्बेंस नजर आएगी. तो जैसे अगर 15 डिग्री था उसका इनिशियल एंगल तो 15 से 35 डिग्री तक वो पहुंच सकता है. तो इस तरीके से लार्ज डिस्टर्बेंसेज इन रोटर एंगल, लार्ज डिस्टर्बेंस इन पावर इनपुट आउटपुट, लार्ज डिस्टर्बेंस इन फ्रीक्वेंसी विल बी ऑकर्ड. So during that condition it is very very important that our system should not lose its synchronism और हमारा जो system है वो fast circuit breakers के help से और protection scheme की help से अपनी जो stability है उसको regain करे. So let's see how swing equation helps us to determine this condition. So सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि steady state की जब हम बात करते हैं during steady state होता क्या है. इस कंडीशन को आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब हम स्टडी स्टेट कंडीशन की बात करते हैं यानी हमारा सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड है. दैट इज चेंज इन एंगल, रोटर एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है. व्हेन चेंज इन रोटर एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है यानी हमारा जो रोटर है वो बिल्कुल भी स्विंग नहीं कर रहा. स्विंग मतलब ना ही वो एक्सलरेट कर रहा है ना ही वो डी एक्सलरेट कर रहा है, वो अपने रिस्पेक्टिव सिंक्रोनस स्पीड पे मूव कर रहे हैं. सो इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है कि एक्सलरेशन पावर जो है वो यहाँ पे जीरो है. देयर विल बी नो एक्सलरेशन, देयर विल बी नो नेगेटिव एक्सलरेशन, दैट इज डी एक्सलरेशन और एक्सलरेशन बोथ आर एब्सेंट बिकॉज द मैकेनिकल पावर इनपुट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट. हम एक सिंगल SBIM सिस्टम कंसिडर करते हैं, सिंगल मशीन इन्फिनाइट बस सिस्टम जो है वो उसे हम कंसिडर करेंगे. सिंगल मशीन इन्फिनाइट बस सिस्टम जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं. वी आर सीइंग दैट देयर इज वन जनरेटर विच इज कनेक्टेड विद एन इन्फिनाइट बस बार और कनेक्टेड विद सम लोड. नाउ शेफ्ट पावर जब इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर है और देयर इज नो स्विंगिंग इन द रोटर, वी आर सीइंग दैट हमारा जो सिस्टम है वो अपने स्टडी स्टेट में है, अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन में है. ठीक है, तो दिस वी कंसिडर दिस दैट देयर इज नो चेंज इन द रोटर एंगल. So whenever the disturbance occurs, then what happens? So when disturbance occurs in the system, तो अब आपकी जो speed है जो steady state पे synchronous चल रही थी अब वो synchronous नहीं रहेगी. और इसका मतलब ये है कि disturbance आने पे कुछ भी disturbance हो सकती है और वो disturbance आने पे जो rotor है अब वो swing करने लगेगा. जो rotor है उसमें swing start हो जाएगा. That is rotor में हो सकता है वो accelerate करे, हो सकता है रोटर डी एक्सलरेट करे. वो चाहे एक्सलरेट कर रहा है चाहे वो डी एक्सलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो रोटर एंगल है वो रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है.
that is the rotor angle now with respect to time is now not equal to zero. पहले स्टडी सेट में मैंने जैसे आपको बताया कि एंगल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, यानी कोई एंगल में चेंज नहीं आ रहा. तो चेंज इन रोटर एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो. लेकिन वेन एवर द डिस्टर्बेंस ऑकर व्हाट वी सेज कि देयर इज सम चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्योंकि जब रोटर स्विंग करने लगता है तो या वो एक्सलरेट करेगा या वो डी एक्सलरेट करेगा, जिसके रिस्पेक्ट में आपका जो रोटर एंगल है वो चेंज होने लगेगा. नाउ रोटर एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट जीरो, इट विल हैव सम वैल्यू. ठीक है, नाउ इट मीन्स नाउ यू आर एक्सलरेटिंग पावर विच इज प्रीवियसली विच इज जीरो, बट नाउ दैट एक्सलरेटिंग पावर विल शो सम वैल्यू. यानी जो शाफ्ट पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर के बीच में अब डिस्टर्बेंस आ गई है, वॉट एवर मे बी द डिस्टर्बेंस. तो शाफ्ट पावर इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो अब दोनों बराबर नहीं है. नाउ द शाफ्ट पावर इज नाउ नॉट इक्वल टू योर इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट. सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयर विल बी सम एक्सलरेटिंग पावर. सो दिस मीन्स एंगल विल में चेंज, जो एंगल है वो आपका रोटर एंगल इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड कि आपके सिस्टम में किस टाइप की डिस्टर्बेंस हुई है. तो ये जानना हमारे सिस्टम में बहुत जरूरी है कि जब लार्ज डिस्टर्बेंस हुई है तो अब हम कैसे जज करें कि हमारा जो सिस्टम है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करेगा. तो सबसे पहले ये दोनों स्टेट्स आपको बहुत क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि हम कैसे पहचानते हैं अपनी स्टडी स्टेट कंडीशन और कैसे पहचानते हैं हम अपनी जो है डिस्टर्बेंस कंडीशन. तो वेन एवर डिस्टर्बेंस ऑकर, जब भी आपके सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस होती है और आप इस कंडीशन को अचीव करना चाहते हैं, तो ये कंडीशन को हमें अचीव करने के लिए हमें अब एक स्विंग इक्वेशन की हेल्प से वी हैव टू ड्राइव दैट कंडीशन की क्या वो बेसिकली क्राइटेरिया हो सकता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि यस हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाएगा या हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट है सिस्टम को स्टेबल करने में. बिकॉज इन ट्रांजिएंट स्टेट वी हैव हार्डली हैव वन और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टू रिगेन अवर इक्विलिब्रियम. सो बेसिकली वी हैव वेरी लेस टाइम. नाउ स्विंग इक्वेशन जो है बेसिकली हम इसमें क्या करें, एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे. तो डायरेक्टली हम स्विंग इक्वेशंस जो है वो यूज नहीं करते हैं, इन द सेंस कि अगर जब हम स्विंग इक्वेशंस को यूज करके कैलकुलेशंस करते हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. तो हम यहाँ पे स्विंग इक्वेशन को ही का ग्राफिकल रिव्यू आप कह सकते हो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्विंग इक्वेशन यूज करते हैं. तो हम स्विंग इक्वेशन की मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और ग्राफिकल व्यू से ही हम ये पता कर लेते हैं कि अब हमारा सिस्टम जो है वो उसकी क्या कंडीशन होने वाली है. वी नो दैट दिस इज अवर स्विंग इक्वेशन एम डी स्क्वेयर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी ए, वेयर एम यू नो इट्स एन एंगुलर मोमेंटम, पी इज योर एक्सलरेटिंग पावर एंड डेल्टा इज योर रोटर एंगल. सो आफ्टर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन now we can use the swing equation for finding out the condition at the time of last disturbances. so let's see kis tarah se jo hai hamari swing equation ab hame help karegi find out karne mein ki the system whether regain its equilibrium or not. so this is our swing equation md square delta dt square is equal to accelerating power. this accelerating power ko hum shaft power minus electrical power ki terms mein bhi likh sakte hain. Now multiplying both the sides by 2d delta upon dt on both the sides. दोनों साइड से मैंने क्या किया है इसको 2d delta by dt से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको, स्विंग इक्वेशन को. ठीक है ना, ये जो आपकी एक्सलरेटिंग पावर है ये वाली, इसमें भी मैंने 2d delta by dt यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया है. Now integrate on both the sides. After integrating these left hand side and right hand side equation, what you will get? Now this is very important. When you integrate both the sides, what you will get? This is simply differentiation and integration part that already you know. So isko integrate karke with respect to time, you will get d delta upon dt whole square integration 2 by m accelerating power d delta. Now after integrating this portion, you are, now you can see that this d delta, this is square, so you can say this is an under root of 2 by m accelerating power d delta. So now you will find that d delta upon dt is not zero. So whenever the fault condition occurs, change in angle with respect to time, this derivation is very important. जिसमें आपने इसमें mathematical manipulation की है, 2 इंटू डी डेल्टा बाई डी टी से मल्टीप्लाई किया है, फिर से इंटीग्रेट किया है. आफ्टर डूइंग दिस व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर सीइंग दैट
d delta upon dt is now not equal to 0, because in a steady state condition change in rotor angle with respect to time was 0. But now you can see here change in rotor angle with respect to time is not 0, it will have some value, and that value is 2 by m integrating PA into d delta. Fine. So this happens only when the fault occurs. Only when the fault occurs, then only your rotor swing, then only you will get change in rotor angle with respect to time is this. So with the help of this equation, this is basically the equation which helps us now to determine that whether our system is going to be stable or not. Now, if this is the faulty condition, that is change in load angle is equal to this. So if to attain the steady state, what we say is that in order to attain the steady state condition, what we say that change in rotor angle with respect to time, that is I am taking this integrating part here, accelerating power d delta should be equal to 0. So I am concentrating on this. Okay, this part, this integrating part PA into d delta, what this actually equation indicates? This indicating that the acceleration part should be equal to d acceleration part. ये जो आप इंटीग्रेटिंग एरिया देख रहे हो, दिस पी ए डी डेल्टा, दिस इज एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन. फाइन, व्हाट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग, दिस इज एन इक्वल एरिया क्राइटेरिया इक्वेशन. बेसिकली व्हाट इट एग्जैक्टली डिटरमाइनिंग, दिस इज डिटरमाइनिंग दैट एक्सलरेशन पार्ट शुड बी इक्वल टू डी एक्सलरेशन पार्ट. हाउ, लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल. आई एम सेइंग दैट चेंज इन रोटर एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट जीरो, इट विल हैव सम वैल्यू. So in order to attain the steady state condition, I am saying that change in load angle with respect to time, which is equal to this integration PA d delta, should be equal to 0. That is in order to attain the steady state condition. Okay. Therefore, I can write this acceleration power as shaft power minus electrical power. And we also know that electrical power is PM sin delta. So shaft power ko maine exactly aise hi likha hua hai, shaft power minus PM sin delta. So now you can see that मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो लिखा है मैंने इंटीग्रेशन पी ए डी डेल्टा, दिस इज व्हाट एक्चुअली इट इज इंडिकेटिंग. इट इज इंडिकेटिंग दैट एक्सलरेशन एरिया शुड बी इक्वल टू डी एक्सलरेशन एरिया. फाइन, इसका क्या मतलब है? देखिए इसका क्या मतलब है, ये जो आप हम पूरा ड्राइव कर रहे हैं, ये जो मैं हम यहां से स्विंग इक्वेशन की हेल्प से एम डी स्क्वेयर डेल्टा डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्सलरेटिंग पावर को जो हम ड्राइव करते हुए आए हैं, ठीक है, ये बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज वन ऑफ द मैथड नोन एज द इक्वल एरिया क्राइटेरिया मैथड. दिस इज एक्चुअली द इक्वल एरिया क्राइटेरिया मैथड विच वी डू आर परफॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी. ठीक है, तो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी के अंदर सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजिशन अटेन करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हम जो मैथड यूज करते हैं वो है इक्वल एरिया क्राइटेरिया, जिसमें हम स्विंग इक्वेशन को का जो आप कह सकते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूज करते हैं और ये पता करते हैं कि सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है या नहीं. इन द सेंस इक्वल एरिया क्राइटेरिया देखिए क्या है, तो जब ये पी ए डी डेल्टा आ रहा है, दिस इज शाफ्ट पावर माइनस पी एम साइन डेल्टा. नाउ दिस पोर्शन शाफ्ट पावर माइनस पी एम साइन डेल्टा कैन बी रिटर्न एज डेल्टा नॉट टू डेल्टा वन शेफ्ट पावर माइनस पीई प्लस डेल्टा वन टू डेल्टा टू. बेसिकली ये जो आप इंटीग्रेशन देख रहे हो, आई एम इंटीग्रेटिंग दिस होल फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा टू. सो इस डेल्टा नॉट टू डेल्टा टू को मैंने कैसे लिखा है, डेल्टा नॉट टू डेल्टा वन प्लस डेल वन टू डेल टू. ये क्या है और ये कहां से आया? देखिये इक्वल एरिया क्राइटेरिया मैथड क्या इंडिकेट करता है कि इनिशियली मान लीजिए मैं, क्योंकि जनरेटर का केस हम कंसिडर कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला है कि मान लीजिए उसका जो शाफ्ट पावर मैकेनिकल पावर इनपुट जो है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, किसी भी वजह से हम जनरेटर का जो मैकेनिकल पावर इनपुट है उसे इंक्रीज करते हैं, तो दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, मीन्स ये हमारी स्टडी स्टेट कंडीशन है, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है. दैट इज when shaft power is equal to your electrical power and the rotor angle is del naught. ठीक है, this is your rotor angle. Now sudden disturbance has been occurred. What disturbance is there? That we have increased the shaft power from PSH to PSH 1. So you have increased the shaft power from here to here. So what happens? This area, when जब आप इसको आगे extend करोगे तो ये यहाँ पे electrical power output के इस curve पे आके cut करता है. ठीक है, सो दिस इज द डेल्टा टू एंगल. तो मैंने इसको डेल्टा नॉट से डेल्टा टू तक इसको इंटीग्रेट किया है. तो डेल्टा टू क्या है?
डेल्टा नॉट से लेके डेल टू तक आपका जो रोटर एंगल है वो मूव कर रहा है फ्रॉम डेल नॉट टू डेल टू. सो ये जो एरिया है, पहले मैं इस एरिया को इंटीग्रेट कर रही हूँ और फिर मैं डेल वन से लेके डेल्टा टू के एरिया को इंटीग्रेट कर रही हूँ, ठीक है. और यहां से लेके यहां तक के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है वो है डेल्टा नॉट से डेल्टा टू शेफ्ट पावर माइनस पीएम साइन डेल्टा. तो ये जो एरिया है इसको मैंने दो पार्ट्स में लिख दिया है, दैट इज फ्रॉम इंटीग्रेटिंग दिस एरिया डेल नॉट टू डेल वन, यानी दिस एरिया, लेट दिस एरिया बी ए वन, डेल्टा नॉट से डेल वन दिस इज द एरिया ए वन, देन अनदर एरिया डेल वन से डेल टू दैट इज डेल्टा वन से डेल्टा टू एंड दिस इज अनदर एरिया एरिया ए टू. फाइन, सो दिस इज देयर आर टू एरिया. सो व्हाट इक्वल एरिया क्राइटेरिया इंडिकेट्स कि यहां से जब आपका रोटर एंगल जो है वो मूव करने लगा तो वो डेल्टा नॉट से डेल्टा टू पे पहुंचा. ये डेल्टा टू एंगल कौन सा है? दिस इज नोन एज फर्स्ट स्विंग एंगल, यानी जब आपका रोटर इनिशियली डेल्टा नॉट पे था और उसके बाद लास्ट डिस्टर्बेंस होने के बाद वो जिस एंगल पे पहुंचा वो है डेल टू. दिस इज द फाइनल एंगल. तो बेसिकली ये जो हम देख रहे हैं इसके अंडर जो एरिया आ रहा है, यानी दिस इज द फर्स्ट स्विंग, द एरिया विच कम्स अंडर फर्स्ट स्विंग. तो इस एरिया के अंदर एक्सलरेशन भी होता है और डी एक्सलरेशन भी होता है, ठीक है. तो इस दिस इज द फर्स्ट एरिया डेल नॉट टू डेल वन, दिस इज अनदर एरिया डेल वन टू डेल टू. अब मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, इस एरिया को मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है. जब हम इस पार्ट को यहाँ पे ले आएंगे, आई एम इक्वेटिंग दम इक्वल टू जीरो बिकॉज मुझे स्टडी सेट कंडीशन तक पहुंचना है. सो दिस एरिया, दिस आई एम सेइंग दिस इज द एरिया वन फ्रॉम डेल नॉट टू डेल टू डेल वन एंड देन डेल वन टू डेल टू, यानी दिस इज व्हेन इसको आप यहाँ पे लेके जाओगे नेगेटिव साइन विल बी देयर. सो दिस एरिया इज नोन एज एक्सलरेटिंग एरिया एंड दिस एरिया इज नोन एज डी एक्सलरेटिंग एरिया, दैट इज फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल वन इज एरिया वन which is known as accelerating area and delta 1 से delta 2 is the deaccelerating area. So जो मैं आपको बता रही हूँ ये जो हम कर रहे हैं, this is one of the method of transient state stability which is known as equal area criteria method. What is indicating कि area, if area A1 is equal to area A2 then we says that the system will come under stability condition, ठीक है. Otherwise it will not regain its equilibrium position, ठीक है. अगर एरिया ए वन को आप इंटीग्रेट करते हैं फिर एरिया ए टू का जो है इनसे इंटीग्रेट करते हैं, अगर ए वन एरिया ए टू एरिया के बराबर आता है तो इट मीन सिस्टम विल रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है. सो ए वन इज इक्वल टू ए टू इज द क्रिटिकली स्टेबल कंडीशन और द स्टेबल कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी. इस पार्ट को हम और ज्यादा क्लियर करते हैं कि डेल्टा नॉट से डेल्टा टू का क्या मतलब है. देखिए डेल्टा नॉट से डेल्टा टू का क्या मतलब है, देखिए हमारा जो रोटर है, ठीक है, इसमें हम कंसिडर करते हैं. देखिए इनिशियली ये आपकी मान लीजिए एन वन एस वन पोल्स हैं या स्टेशनरी सिंक्रोनसली रोटेटिंग स्टेशनरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो आपका जो रोटर है वो इसके रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर एंगल से मूव कर रहा था. लेट इट दीज पोल्स आर एस टू एंड टू पोल्स हैं, ये आपके रोटर के पोल्स हैं. These poles are of rotor poles, ठीक है. और वो इनिशियली जो एंगल बना रहे थे वो क्या है आपका डेल्टा नॉट, यानी ये जो एंगल है वो है डेल्टा नॉट जो इनिशियल कंडीशन पे चल रहा था. नाउ द सडन डिस्टर्बेंस हैज बीन ऑकर्ड, तो हम वो डिस्टर्बेंस क्या कह रहे हैं कि वो मैकेनिकल पावर इनपुट आपने इंक्रीज करी है. तो जैसे ही आपने मैकेनिकल पावर इनपुट इंक्रीज करी है तो ये जो आपका रोटर है, जब हम मैकेनिकल पावर इनपुट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, दिस इज एन एक्सलर पी ए इज इक्वल टू शेफ्ट पावर माइनस योर इलेक्ट्रिकल पावर. सो इफ शेफ्ट पावर हैज बीन इंक्रीज एंड व्हाट हैपन्स, इफ पी एस एच इज इंक्रीज इन द सिस्टम विल अंडरगोज पॉजिटिव एक्सलरेशन और यू कैन से द सिस्टम विल एक्सलरेट. तो ये पार्ट हम बहुत प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं. अब आपने शाफ्ट पावर मैकेनिकल पावर इनपुट ऑफ द रोटर आपने इंक्रीज कर दिया है इंजनेटर. सो व्हाट हैपेंस इफ दिस टर्म, इफ यू हैव इंक्रीज दिस टर्म, सो पीएसएच माइनस पी इलेक्ट्रिकल विल बी पॉजिटिव, जनरेटर विल अंडरगो एक्सलरेशन, जनरेटर विल अंडरगो एक्सलरेशन दैट इज रोटर विल एक्सलरेट एंड योर रोटर एंगल विल इंक्रीज, ठीक है. अगर ये कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें क्योंकि आगे के जितने भी कंसेप्ट हैं सब इसके ऊपर लाई करते हैं. सो
अब आपका सिस्टम एक्सलरेट करेगा और आपका जो रोटर एंगल है वो इंक्रीज करेगा. नाउ द डिस्टर्बेंस हैज बीन ऑकर्ड एंड द रोटर इज नाउ गोइंग टू स्विंग. ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका रोटर है, तो जैसे ही आपके सिस्टम में डिस्टर्बेंस हुआ रोटर मूव किया, जैसे ही रोटर मूव किया फिर रोटर जो मूव किया समझ लीजिए यहां पे मूव करके वो फिर से बैक होना शुरू हो जाता है. व्हाट एग्जैक्टली मींस, दिस इज द मैक्सिमम एंगल विच योर रोटर हैज अटेन्ड. लेट इट बी दिस एंगल बी डेल्टा टू. दिस एंगल इज बेसिकली डेल्टा टू जो आपका रोटर इस N1 S1 के साथ बना रहा है. यानी कौन सा एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस एंगल की जो मैंने आपको बताया ना, द मैक्सिमम एंगल विच रोटर हैज अटेन्ड फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा टू, द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द रोटर एंगल. ठीक है, तो रोटर आपका समझ लीजिए एक्सिस यहां था और फिर जैसे ही लार्ज डिस्टर्बेंस हुई रोटर आपका यहां पे डेल्टा टू उसने एंगल बनाया. तो दिस इज नोन एज दी फर्स्ट स्विंग. ठीक है ना, तो पहली स्विंग में रोटर ने मैक्सिमम एंगल डेल्टा टू अटेन किया. तो ड्यूरिंग फ्रॉम डेल्टा ये जब उसकी पोजीशन है, लेट द फर्स्ट पोजीशन ये ले लेते हैं और सेकंड पोजीशन ये ले लेते हैं. तो पोजीशन वन से पोजीशन टू पे वो मूव जब वो करता है, तो पोजीशन वन से पोजीशन टू में मूव करते समय इसकी जो स्थिति रहती है वो क्या रहती है, इट अंडरगोज फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा वन सिचुएशन, देन डेल्टा वन टू डेल्टा टू सिचुएशन. ठीक है ना, सो जब डेल्टा नॉट से डेल्टा वन और डेल्टा वन से डेल्टा टू सिचुएशन पे ये आता है, तो बेसिकली इट अंडरगोज एक्सलरेशन और डी एक्सलरेशन एरिया. तो अब आप देख सकते हैं डेल्टा वन बेसिकली क्या है, है ना. सो यहां से जब रोटर ने जर्क लिया, दिस इज द फर्स्ट स्विंग, और फिर रोटर जो है वो इसी पोजीशन में बैक आएगा. पहले वो डेल्टा नॉट से डेल्टा टू मूव करा और फिर डेल्टा टू से वो बैक आएगा. सो रोटर जो है, दिस इज नोन एज द वन साइकिल. यानी जब आपका रोटर अपनी इनिशियल पोजीशन से डेल्टा टू पे गया, फिर दोबारा से वो इसी पोजीशन में बैक नॉर्मल पोजीशन पे गया, तो इस एंगल को, इस पूरे इस टू एंड फ्रो मोशन को हम वन साइकिल कहते हैं. तो इस तरह से जो रोटर है वो कम से कम 4 to 6 साइकिल्स जो है वो कम से कम लेता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करने के लिए. तो रोटर जब डेल्टा टू पे गया है, तो डेल्टा टू है बेसिकली वो क्या है, स्टडी स्टेट पोजीशन. यानी डेल्टा टू उसकी, डेल्टा टू के बाद वो आगे और नहीं बढ़ा. दिस इज द मैक्सिमम एंगल जो रोटर ने डेविएट हुआ, जिससे रोटर डेविएट हुआ, तो वो उसके आगे नहीं बढ़ा. यानी डेल्टा टू वो पोजिशन है जहां पे रोटर एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो गया. डेल्टा टू के बाद वो नहीं बढ़ा ना. तो मान लीजिए ये 15, मान लीजिए ये एंगल जो था वो 15 डिग्री बना रहा था, उसके बाद जो रोटर जो है वो 15 डिग्री से 35 डिग्री पे पहुंच गया. ठीक है, 15 डिग्री बना रहा था एंगल स्टेटर के साथ, और अब वो कितना एंगल बना रहा है, कम से कम मान लीजिए 35 डिग्री बना रहा है. तो 35 के बाद आगे 36 या 37 नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे आके चेंज इन रोटर एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब जीरो हो रहा है. ये वो पोजीशन है जहां पे रोटर ने अपनी सिंक्रोनस स्पीड अटेन कर ली. ठीक है, लेकिन सिर्फ हमें सिंक्रोनस स्पीड ही नहीं चाहिए. इक्विलिब्रियम पोजीशन कहती है दैट शाफ्ट पावर शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट आल्सो. तो पूरी स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि सिस्टम को सिंक्रोनस ही नहीं होना, इनपुट शाफ्ट पावर जो है आपकी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट के बराबर भी होनी चाहिए. यानी रोटर में लार्ज डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो जर्क आता है, जिससे वो 35 डिग्री मान लीजिए फिर वो बैक जाएगा, क्योंकि यहां पे चेंज इन एंगल रिस्पेक्ट टू टाइम उसको जीरो मिल रहा है, लेकिन शाफ्ट पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर वाली जो कंडीशन है वो अभी इसने फुलफिल नहीं की. तो रोटर क्या करता है, वो आगे जाता है और फिर एक बार पीछे आता है, तो वो वन साइकिल करता है. तो रोटर इसी तरह से आगे और पीछे जो है वो मूव करता है और फाइनली अपनी किसी एक पोजिशन पे आके सेटल डाउन होता है. ठीक है, अब वो जिस पोजिशन पे आके सेटल डाउन होता है, लेट दैट एंगल बी डेल्टा वन. यानी जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं डेल्टा वन, ये वो एंगल है, या ये समझ लीजिए वो पोजिशन है जहां पे जो आपका रोटर है, जहां पे आपका जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड भी अटेन करेगा, प्लस ये वो पोजीशन है जहां पे आपकी शाफ्ट पावर इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर होगी. ठीक है ना, और यू कैन से दिस इज द स्टेबिलिटी एंगल. ठीक है, तो रोटर, अब आपने समझा कि ये डेल्टा नॉट, डेल्टा टू और डेल्टा वन क्या है. डेल्टा नॉट वो एंगल है जो रोटर इनिशियली स्टेटर के साथ बना रहा था. डेल्टा टू वो एंगल है जब सडनली लार्ज डिस्टर्बेंस हुआ तो रोटर ने मैक्सिमम एंगल जो उसने अटेन किया, मैक्सिमम डेविएशन जो उसने दिखाई वो डेल्टा टू पे दिखाई.
ठीक है, लेकिन डेल्टा टू पे उसका उसके बाद वो चेंज नहीं हो रहा, तो हम ये कह सकते हैं यानी चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे स्पीड तो सिंक्रोनस हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन शाफ्ट पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर नहीं मिलती, तो रोटर जो है वो टू एंड फ्रो मोशन पे घूमता है, यानी टू एंड फ्रो इज वन साइकिल। तो इस तरह से वो कम से कम चार पांच साइकिल जो है वो इस तरह से लेता है और अपनी फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करता है। जैसी जिस फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो अटेन करता है, ये कौन सी पोजीशन है, डेल्टा वन की, जहां पे आपका सिस्टम जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे भी मूव करेगा और आपकी शाफ्ट पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगी। सो रोटर आफ्टर स्विंग आफ्टर फोर फाइव साइकिल्स सेटल डाउन एट विद सम न्यू एंगल, लेट इट बी डेल्टा वन। तो डेल्टा वन न्यू एंगल के साथ वो अब आपके सिस्टम में मूव करेगा। तो दिस डेल्टा वन जो एंगल है, दिस इज द न्यू एंगल विद विच द सिस्टम आफ्टर ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो इस पोजीशन के अंदर ये जो इसने ये जो पूरी इसकी एक स्टोरी चलती है डेल्टा नॉट से डेल्टा टू, दैट इज द फर्स्ट स्विंग, और फिर डेल्टा टू टू बैक डेल्टा नॉट another swing and this to and fro is one cycle. So during this operation from delta naught to delta 2 the system or your rotor undergo acceleration or deacceleration area or acceleration or deacceleration procedure which is absent in steady state stability. So transient state ke andar acceleration or deacceleration rotor dono hi cheezon ko perform karta hai lekin steady state mein aisa kuch nahi hota. So during acceleration or deacceleration isi area ko isi point ko samajhne ke liye we have equal area criteria which is nothing but the graphical representation of your स्विंग इक्वेशन। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछते हैं कि क्या स्विंग इक्वेशन यूज की जाती है ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी के लिए, तो यस वही की जाती है और उसी का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्विंग इक्वेशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि दैट अवर एरिया ए वन शुड बी इक्वल टू एरिया ए टू, दैट इज अवर एक्सलरेशन एरिया शुड बी इक्वल टू अवर डी एक्सलरेशन एरिया। दिस थिंग्स विल बी मोर क्लियर विद अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक फुल एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी कि एक्सलरेशन डी एक्सलरेशन एरियाज क्या है। टिल नाउ इन इक्वल एरिया क्राइटेरिया फॉर थ्योरेटिकल एंड एग्जाम पोर्शन यू शुड नो दैट एरिया ए वन शुड बी इक्वल टू एरिया ए टू इन ऑर्डर टू गेट अ स्टेबल कंडीशन। फाइन, अनदर पॉइंट विच यू नीड टू बी कंसिडर दैट दिस इज द फर्स्ट स्विंग, दैट इज फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा टू, दिस इज नोन एज योर फर्स्ट स्विंग। सो ए वन इज नोन एज द एक्सलरेटिंग एरिया, दिस एरिया इज नोन एज योर एक्सेलरेटिंग एरिया। एक्सेलरेटिंग एरिया इज ऑल्सो नोन एज गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, एंड इट इज नोन एज दी वेन योर जब मैकेनिकल पावर इनपुट जो है वो आपकी ज्यादा होती है रोटर के अंदर, तो क्या होगा, जब मैकेनिकल पावर इनपुट आप अपने रोटर में बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ेगी। तो हेयर इज द गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन what happen, what is basically acceleration, acceleration means that shaft power is more than the electrical power. So when mechanical power input is more, then what happens, the kinetic energy, gain of kinetic energy of the rotor is more, that's why your rotor accelerate. When we talk about the deaccelerating area, yani what it means that deaccelerating means negative acceleration. So what it means, therefore it means that shaft power is less than the electrical power output. This means that shaft power should be less than the electrical power output. So when mechanical shaft power is less, so shaft power matlab what, mechanical power input. So when mechanical power input in the rotor is less, then what happens, so kinetic energy of the rotor is less, it means that is known as the release of kinetic energy or loss of kinetic energy, or accelerating area is known as gain of kinetic energy. Basically this is a fictitious concept to understand the transient state stability conditions, that whenever we increase the mechanical power input of the rotor, there is a gain of kinetic energy, and whenever the mechanical power input is less, there is a loss of kinetic energy or release of kinetic energy. ठीक है, तो इसमें आप बस इतना ध्यान रखें कि जब एक्सलरेशन होता है तो मैकेनिकल पावर जो है आपकी वो ज्यादा होती है, और आपका जो रोटर के अंदर मैकेनिकल पावर अगर आप बढ़ाओगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। ठीक उसी तरह से अगर आप उसकी मैकेनिकल पावर खींच लोगे तो क्या होगा, अगर आप रोटर जो है वो रोटेटिंग है ना, तो उसकी अगर आप मैकेनिकल पावर खींच लोगे तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
Fine. So in equal area criteria says that A1 should be equal to A2. So equal area criteria kya kehta hai? That your area A1 should be equal to area A2. This means if area A1 is your accelerating area and area A2 is your decelerating area. Yani in this, agar hum is fictitious concept ko dekhe dhyan mein, to yani hum ye kehna chahte hain that gain of kinetic energy area should be equal to the loss of kinetic energy area. ठीक है ना, अगर वो सिंक्रोनस स्पीड पे मूव कर रहा है तो उसे सिंक्रोनस स्पीड पे ही मूव करना है. अगर आप उसकी मैकेनिकल पावर बढ़ा दोगे तो वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा मूव करेगा. अगर उसकी मैकेनिकल पावर घटा दोगे तो वो सिंक्रोनस स्पीड से कम मूव करेगा. तो वो कहता है कि अगर गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिलीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देन सिस्टम विल अंडरगो अ स्टेबिलिटी कंडीशन. तो सिस्टम जो है वो आपका अपने आप स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, so this is about your equal area criteria. In the next lecture I will take one example to explain you the equal area criteria. ठीक है, जिससे आपको concept और ज्यादा clear हो जाएगा.